ناظرین اکرام انڈیا لائیو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا سواگت ہے۔ انڈیا لائیو کے خصوصی پروگرام میں آئیے سب سے پہلے گزارش کرتے ہیں کنوز سے تشریف لائے نوشہ خان غازی صاحب سے، جو نعت پاک کے چند اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ نوشہ خان غازی صاحب، سواگت ہے آپ کا۔ دو تین شعر نعت پاک کے اور تین شعر چھوٹے سے گیت کے۔ پہلے نعت پاک سماعت کریں۔ کملی والے تیرے کملی والے تیرے انداز نرالے دیکھے، دونوں عالم میں تیرے چاہنے والے دیکھے۔ کملی والے تیرے تو ہے وہ قاسم نعمات کے تیرے در پر، تو ہے وہ قاسم نعمات کے تیرے در پر، ہم نے سب شاہو گدا مانگنے والے دیکھے، ہم نے سب شاہو گدا مانگنے والے دیکھے، کفور کو مشعلے ایمان عطا کی تُو نے، کفور کو مشعلے ایمان عطا کی تُو نے، ظلمتوں میں تیری رحمت کے اجالے دیکھے، ظلمتوں میں تیری۔ اور نعت پاک کا آخری شعر دیکھیں۔ ارشاد ارشاد، تیری تعریف کیا کرتے ہیں سب جن و بشر، تیری تعریف کیا کرتے ہیں سب جن و بشر، کیا انداز ہے، واہ واہ، تیری تعریف کیا کرتے ہیں سب جن و بشر، صرف بد وقتوں کے منہ پر لگے تالے دیکھے، صرف بد وقتوں کے منہ پر لگے تالے دیکھے، امتحان گاہ محبت میں تیری غازی نے، امتحان گاہ محبت میں تیری غازی نے، سرخ روح ہوتے تیری گود کے پالے دیکھے، سرخ روح ہوتے تیری گود کے پالے دیکھے، کملی والے تیرے۔ کیا بات، گوتم جی، یہ تھے نوشہ خان غازی صاحب جو نعت پاک کے اشعار سے ہمیں نواز رہے تھے۔ اور ہم اب آپ کو بتا دیں کہ نعت پاک کے اشعار وہ ہیں اور یہ طاقت اور یہ توانائی وہیں سے عطا ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک شعر کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں اب گزارش کروں گا آپ آگے سنچالن کریں اور آگے دعوت دیں، اب آپ جس طرح اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب، اور میں اگلے رچناکار کو بلا رہا ہوں جو ہمارے بیچ میں نوئیڈا سے آئے ہیں اور جن کا نام ہے ڈاکٹر مدن لال ورما کرانت، اچھے ہاسیہ اور ونگے کے کوی ہیں۔ زوردار تالیوں سے آپ سواگت کریں۔ سواگت ہے۔ درشکوں کو میری اور سے نمسکار۔ میں پہلے ایک چھوٹی سی غزل پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ارشاد،
इसमें देखें आप गणित का प्रयोग देखें पूरी गजल में। स्वागत है कि गर्व गुणाकार हो गए, गर्व गुणाकार हो गए, शून्य से विचार हो गए। क्या बात है, गर्व गुणाकार हो गए, शून्य से विचार हो गए, अर्ध व्यास हल तो कर लिया, प्रश्न परिधि पार हो गए। क्या बात है, वाह वाह, गर्व गुणाकार हो गए, शून्य से विचार हो गए, अर्ध व्यास हल तो कर लिया, प्रश्न परिधि पार हो गए। क्या बात है, शक्ति वर्गमूल बन गई, शक्ति वर्गमूल बन गई, कष्ट घनाकार हो गए। शक्ति वर्गमूल बन गई, कष्ट घनाकार हो गए। क्या बात है, शब्द लंबवत तने रहे, अर्थ निराधार हो गए। क्या बात है, शक्ति वर्गमूल बन गई, शक्ति वर्गमूल बन गई, कष्ट घनाकार हो गए, शब्द लंबवत तने रहे, अर्थ निराधार हो गए। और दर्द घटाने के फेर में, दर्द घटाने के फेर में जोड़ के शिकार हो गए, मूल धन छुपा सके ना, जोड़ के शिकार हो गए, दर्द घटाने, दर्द घटाने के फेर में, दर्द घटाने के फेर में जोड़ के शिकार हो गए, मूल धन चुका सके हम, सूद पर उधार हो गए। क्या बात है, क्या दास है, क्या ये छोटा सा नवगीत है, आप देखें। आता हो इरशाद कि क्या यही दिन देखने को था तुम्हें हमने चुना, क्या यही दिन देखने को था तुम्हें हमने चुना, जिस तरह चाहो बजा लो, देश है या झुंझुना, क्या यही दिन देखने को था तुम्हें हमने चुना, जिस तरह चाहो बजा लो, देश है या झुंझुना, क्या बात है, विदेशी साज से फिर देश में सुरसा मुखी, क्या बात है, विदेशी साज से फिर देश में सुरसा मुखी, और धर्म का धारक सकल सामान्य जन सबसे दुखी, भूख का हल खोजते हैं, भूख का हल खोजते हैं, पेट रख कर कुन मुना, जिस तरह चाहो बजा लो, देश है या झुंझुना, जिस तरह चाहो बजा लो, देश है या झुंझुना। और आप देखें कि संसद का जिन्होंने रूप देखा है, संसद गोल है, थाली का बैंगन भी गोल होता है, और थाली का बैंगन एक मुहावरा भी है, इसका प्रयोग देखें आप कि गोल बैंगन की तरह जो थालियों में आ गए, गोल बैंगन की तरह जो थालियों में आ गए, दरअसल वे लोग ही ये लोकतंत्र पचा गए, गोल बैंगन की तरह जो थालियों में आ गए, दरअसल वे लोग ही ये लोकतंत्र पचा गए, आम जनता की समस्या को यहाँ किसने सुना, आम जनता की समस्या को यहाँ किसने सुना, जिस तरह चाहो बजा लो, देश है या झुंझुना, जिस तरह क्या यही दिन देखने को था तुम्हें हमने चुना, जिस तरह चाहो बजा लो, देश है या झुंझुना, जिस तरह चाहो बजा लो, क्या बात, देश क्या है क्या या झुंझुना। इरफान भाई बहुत बेहतरीन गजल आपने सुनाई, उसके बाद एक नवगीत भी सुनाया आपने, मदन लाल वर्मा क्रांत ने। और हम इससे पहले के अरुण शकुन को बुलाएं जी, अरुण शकुन जो हमारे बीच में हैं, कवि नोएडा यूपी से आए हुए हैं जी, जिन्होंने जिस तरह इन्होंने अभी पढ़ा झुंझुने की बात कही, मुझे दुष्यंत कुमार की गजल की पंक्तियां याद आ रही है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं जी, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं,
बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। क्या लहजा है साहब, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। क्या अंदाज है साहब, और जिस तरह चाहो बजा लो तुम हमें, हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं। क्या बात है, क्या बात है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और इरफान, मेरे ख्याल से आगे बढ़ाएं आप अरुण शकुन, मैं चाहूंगा अरुण शकुन साहब हमारे बीच संजीदा माहौल में, कवि सम्मेलन और मुशायरे के संजीदा माहौल को अरुण शकुन जी से गुजारिश है कि वो आगे बढ़ाएं और अपने अशार से, अपनी कविता से हमें नवाजें। अरुण शकुन जी, बहुत बहुत स्वागत। एक छोटा सा गीत इरशाद। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। हो उम्र गुजर गई पत्थर तोड़े, फिर भी कोई नतीजा ना। उम्र गुजर गई पत्थर तोड़े, फिर भी कोई नतीजा ना। हाथ में पड़ गए छाले भैया, फिर भी राम पसी जाना। हाथ में पड़ गए छाले भैया, फिर भी राम पसी जाना। कर्म का लेखा कभी मिटाना, मिट गई सारी उमरिया रे भैया, एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया, जीवन एक गगरिया रे भई। इस गगरी में गरल भरो और चाहे भर लो गंगा, इस गगरी में गरल भरो और चाहे भर लो गंगा। जब प्यासे की प्यास बुझे तो समझो मन है चंगा, वरना नाहक ही ढोए रे, ढोए पाप गठरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। हो काल कोठरी छोड़ के एक दिन हंस तेरा उड़ जाएगा, क्या अंदाज है। काल कोठरी छोड़ के एक दिन मन पंछी उड़ जाएगा। इस दुख की दुनिया से चलकर गांव दूसरे जाएगा, क्या बात है, क्या अंदाज है। उड़ता जाए कहता जाए छूटी अपनी नगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया।